हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैंने अभी ये वीडियो कॉल इसलिए किया है कि आप लोगों को कल के जनता कर्फ्यू के पीछे छिपे साइंटिफिक रीज़न मेरे स्टूडेंट्स तक पहुंचाना है मुझे। अब ये साइंटिफिक रीज़न क्या है ये बताता हूं मैं। पहली बात, ये जो कोरोना वायरस जो है, ये वायरस सिर्फ ह्यूमन बीइंग या तो ह्यूमन बॉडी में वो ग्रो हो सकता है और वो लिविंग रह सकता है, मतलब हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। अब ऐसा क्यों, वो और किसी एनिमल में नहीं जीवित रहता है ना कोई चीज़ पे। तो कोरोना वायरस को अटैक करने का या उसको किल करने का ये दूसरा तरीका है जनता कर्फ्यू। कैसे बताता हूँ, सर जी ने बताया, मोदी जी ने बताया कि सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक, मीन्स 14 आवर्स। नाउ दिस कोरोना वायरस कैन लिव आउटसाइड ह्यूमन बॉडी मैक्सिमम फॉर 12 आवर्स। ये डिपेंड करता है वो कौन से चीज़ पे चिपका हुआ है। कुछ चीज़ों पे वो 3 घंटे जिंदा रह सकता है, कुछ चीज़ों पे 10, 8 इस तरह, मैक्सिमम वो 12 आवर्स रह सकता है। तो अगर हम जनता कर्फ्यू को पालन करके सुबह 7 से रात के 9 बजे तक घर से बाहर नहीं निकले, तो वैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम छुएंगे नहीं, हमारे इर्द गिर्द आएगा नहीं, तो इससे जो वायरस है वो खुद ब खुद मर जाएगा। इट विल गेट डिस्ट्रॉयड इट्सेल्फ एंड दिस इज व्हाट द मेन पर्पस बिहाइंड जनता कर्फ्यू। अनदर रीज़न, उन्होंने ये भी निवेदन किया है 5 बजे हम सब लोगों को या तो ताली बजा के या तो कोई थाली पे आवाज़ करके या तो अपना ये जो बेल है वो रिंग करो, राइट। ये करके हमको उन्होंने ये बताया, रीज़न ये दिया कि हम लोगों के लिए जो सेवा किया है, जिन लोगों ने, जैसे डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, ये सारे लोगों को हमको अप्रिशिएट करना है, उनका अभिनंदन करना है, राइट। अब ये जो चीज़ है इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न बताते हैं। आप लोगों को मालूम है एवरीथिंग वाइब्रेट्स, अ वाइब्रेशन ऑलवेज क्रिएट्स अ फ्रीक्वेंसी एंड एवरी फ्रीक्वेंसी समटाइम इट बिकम्स गुड अ हीलिंग पर्पज और समटाइम इट डिस्ट्रॉयज। जैसे आपको मालूम है मेलोडियस सॉन्ग जो है हमें शांति देता है, हमारे मन को शांति देता है, हमको आनंदित रखता है, राइट। मेलोडियस सॉन्ग, मेलोडियस ट्यून, इससे ये म्यूजिक थेरेपी, इससे कई डिजीज सॉल्व भी हुए हैं। उसी वक्त दूसरा भी रीज़न है कि हम यही थेरेपी से डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। अगर आपने देखा हो तो मंदिरों में ये जो हम लोग घंट बजाते हैं, मंदिरों में जो बेल रिंग करते हैं, ये जो आवाज़ क्रिएट करता है, ये जो रिंगिंग साउंड क्रिएट करता है, ये नेगेटिविटी को दूर करता है। अब ये नेगेटिविटी क्या है, नेगेटिविटी इज़ नथिंग बट दिस वायरसेस, बैक्टीरियाज, एवरीथिंग। तो इट क्लींसिस द एनवायरनमेंट, इट प्यूरिफाइज द एनवायरनमेंट। सो साउंड थेरेपी इज ऑल्सो हैज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस इन किलिंग और डिस्ट्रॉइंग और इराडिकेटिंग दिस वायरसेस। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू सपोर्ट जनता कर्फ्यू, एन्जॉय द डे विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, जय हिंद।